हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब आई एम रमिंदर आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट फोर क्वेश्चन टू पार्ट फोर द क्वेश्चन टू इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मैथड हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं जिनके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना है बाई यूजिंग एलिमिनेशन मैथड सॉल्व तभी करना है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फाइन सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज मीना वेंट टू अ बैंक To withdraw rupees two thousand, she asked the cashier to give her rupees fifty and rupees hundred notes only. she got twenty five notes in all. find out how many notes of rupees fifty and rupees hundred she received. हमें यहाँ पे बोला गया है कि मीना एक बैंक में गई उसने टू uh, थाउजेंड रुपीज़ विद्रॉ करने थे उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ फिफ्टी और हंड्रेड वाले नोट्स ही मिले रुपीज़ फिफ्टी और रुपीज़ हंड्रेड के नोट्स ही मिले तो उसको टोटल मिलते हैं ट्वेंटी फाइव नोट्स हंड्रेड और फिफ्टी के मिलाकर के और उससे यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर क्या करना है कि रुपीज़ फिफ्टी और रुपीज़ हंड्रेड के नोट्स उसको मिलते कितने हैं मीन्स फिफ्टी के कितने मिलते हैं और रुपीज़ हंड्रेड के कितने नोट्स उसको मिलते हैं सो so, जो हमें पूछा हुआ है हम वही लेट करते हैं जैसे हमारी ये जो बाकी की भी प्रॉब्लम्स थी उसमें भी मैंने आपको यही बताया जो हमें पूछा गया है हम उसी को लेट करते हैं फाइन जैसे यहां पे नंबर ऑफ नोट्स पूछे हैं फिफ्टी और हंड्रेड के तो हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी बी सम्बरीबल एक्स एंड नंबर ऑफ रुपीज हंड्रेड बी सम्बरीबल वाई सो स्टार्ट विद द सोल्यूशन लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज फिफ्टी बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ़ रुपीज़ हंड्रेड बी वाई ठीक है ये हमने लेट कर लिया वेरिएबल्स को देन uh, क्या होगा uh, हमें दो चीज़ें गिवन हैं कि उसने टोटल निकाले हैं टू थाउजेंड रुपीज़ और दूसरी चीज़ गिवन है कि ट्वेंटी फाइव नोट्स उसको टोटल मिले हैं ठीक है तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसको कितने मिले मिले हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ इक्वल टू तो ट्वेंटी फाइव तो टोटल नोट्स मिले मींस एक्स और वाई को मिलाकर के 25 बने रुपीज़ हंड्रेड और 50 के मिलाकर तो यहाँ से इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव नंबर वन इक्वेशन फाइन अगर मान लीजिए उसको फिफ्टी के मिले हैं टेन नोट्स मिले हैं मान लीजिए और हंड्रेड के मिले उसको फिफ्टीन नोट्स तो टेन प्लस फिफ्टीन मिलाकर उसको ट्वेंटी फाइव मिले ना टेन प्लस फिफ्टीन इज़ ट्वेंटी फाइव तो दैट्स वाई यहाँ पे इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज़ टू ट्वेंटी फाइव अब दूसरी इक्वेशन बनती है हमारी टोटल अमाउंट उसको कितनी मिली रुपीज़ टू थाउजेंड ऐसे ही है टू थाउजेंड निकालने गई थी बैंक से तो उसको टू थाउजेंड रुपीज़ मिल गए टोटल अमाउंट तो अब ये टोटल अमाउंट बनती कैसे है देखिए उसने निकाले थे रुपीज़ फिफ्टी वाले एक्स नोट्स फाइन और रुपीज़ हंड्रेड के वाई नोट्स तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके बनता है रुपीज़ टू थाउजेंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं अगर रुपीज़ फिफ्टी के मान लीजिए हैं टेन नोट्स ठीक है नोट्स हैं टेन और रुपीज़ हंड्रेड के हैं मान लीजिए फिफ्टीन नोट्स फाइन सो ये क्या बनता है अब अगर मैं फिफ्टी को टेन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई एम गेटिंग हेयर फाइव हंड्रेड ठीक है और हंड्रेड को फ़िफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है फिफ्टीन हंड्रेड और प्लस करके ये बन रहे हैं टू थाउजेंड फाइंट सो ऐसे बनता है ये अमाउंट कैसे बनी हमारी कि एक्स वाले जो हंड्रेड वाले जो नोट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया हंड्रेड के साथ और जो 50 वाले नोट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ आपस में ऐड करके ये बनती है अमाउंट 2000, इस तरीके से फाइन सो so, हम क्या करेंगे यहाँ पे? X मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी प्लस हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू टू फाइन आपको समझ में आ गया 50 वाले उसके नोट्स थे x तो 15 इंटू एक्स करके ये अमाउंट एक यहाँ से बनती है और 100 वाले नोट्स हैं उसके पास y तो 100 इंटू वाई करके एक अमाउंट ये बनी कुछ अमाउंट जो बनी उनको ऐड करके उसको टोटल मिले थे 2000 थाउजेंड फाइन सो so, यहाँ से हमारी क्वेश्चन बन रही है फिफ्टी एक्स प्लस हंड्रेड इंटू वाई हंड्रेड वाई इज इक्वल टू टू और अब क्या होगा देखिए मुझे यहाँ पे 50 कॉमन नज़र आ रहा है अगर आ रहा है तो डेफ़िनेटली निकालेंगे वहाँ से हमारी इक्वेशंस बहुत इजी हो जाती हैं इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं उनको फ़ाइन सो यहाँ से अगर 50 कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचा ओनली एक्स फिफ्टी वनजा फिफ्टी एक्स प्लस फिफ्टी टू टू इज हंड्रेड बाई इज़ इक्वल टू टू थाउजेंड ठीक है अब क्या होगा 50 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर के साथ दो नंबर्स हैं यहाँ पे उनके बीच में कोई साइन नहीं है मींस मल्टीप्लाई का साइन है सो so ये जो 50 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू थाउजेंड अपॉन फिफ्टी यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल एंड फाइव के टेबल के ऊपर टू डेफिनेटली जाएगा जिसके पीछे नंबर के पीछे जीरो एंड फाइव होता है वो फाइव से डिविजिबल होता है सो फाइव वन जर फाइव फाइव फोर्टी ज टू हंड्रेड सो इक्वेशन हमारी बन गई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर जीरो फोर्टी दिस इज़ नंबर टू इक्वेशन अब फर्स्ट और फर्स्ट और दो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं हम इन्हें एलिमिनेशन मैथड के साथ सॉल्व करेंगे सो so, उसके लिए एलिमिनेशन मैथड के लिए क्या होता है एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए उसके जो कोफिशेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि x का कोफिशेंट वन है और सेकेंड इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशियंट वन है सो so, हम सिंपल इनको सॉल्व कर देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू ठीक है जैसे अगर आप आ, वाई की तरफ देखें तो वाई का कोफिशियंट वन है यहाँ पे और यहाँ पे है टू तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको टू बना सकते हैं टू के साथ मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को टू के साथ मल्टीप्लाई करके तो अगर हमें ऑलरेडी कोफिशेंट सेम नजर आ रहा है तो हम उसी के लिए सॉल्व कर लेते हैं उसी को एलिमिनेट कर देंगे फाइन सो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है अब क्या होगा दोनों के साइन सेम है ऑपोजिट करने पड़ेंगे ऑपोजिट दूसरी इक्वेशन के साइंस को ऑपोजिट कर देते हैं सारे साइन चेंज हो जाएंगे ये प्लस का है ये माइनस का हो गया ये प्लस है ये माइनस हो गया ये भी यहाँ पे भी प्लस है ये भी माइनस हो गया सो so, ये बन गया हमारा x माइनस एक्स जीरो प्लस वाई माइनस टू वाई दैट इज़ प्लस माइनस माइनस टू माइनस वन इज़ वन वाई और साथ में बड़े का साइन दैट इज टू का साइन माइनस और यहाँ पे क्या बन रहा है ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी प्लस माइनस माइनस फोर्टी में से ट्वेंटी फाइव गए तो फिफ्टीन बच गए और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस सो so, हमारा दोनों साइड्स पे एक एक सिंगल सिंगल टर्म बच गई तो क्या होगा माइनस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे तो वाई कितना आया हमारा फिफ्टीन सो हमारा एक वेरिएबल आ गया मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज हंड्रेड तो आ गए अब एक्स निकालने के लिए क्या करें ये जो वैल्यू है वाई की ये फर्स्ट और सेकेंड जिस मर्जी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक्स भी आ जाएगा ठीक है सो पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर वन पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर वन और टू जिसमें मर्जी पुट करें आपके पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा सो फर्स्ट इक्वेशन वाज़ एक्स प्लस वाई वाई की वैल्यू फिफ्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो एक्स हमारा कितना बना फिफ्टीन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ पे ये एड हो रहा है सो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन एज टेन सो एक्स भी आ गया हमारे पास देयर फोर हमारा आंसर बन गया फोर नंबर ऑफ नोट्स Of rupees fifty, kithne x that is ten, and number of nodes ऑफ रुपीज़ हंड्रेड इज इक्वल टू कितने थे y और y की वैल्यू हमारी आई थी फिफ्टीन एंड दैट्स इट ये है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स चाहे इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ मेरे चैनल को लाइक like और सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोस हैं जिसमें मैं एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स भी कवर करने वाली हूँ वो आपको टाइम पर मिलती रहे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स